जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल ने उठाया पुल निर्माण की मांग। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन गोपालपुर विधानसभा के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल अपने क्षेत्र में पड़ने वाले एक पुल के निर्माण के बारे में संबंधित विभाग के मंत्री से पूरक पूछा गया। मामला भागलपुर जिले के गोपालपुर विधानसभा के क्षेत्र के पुल से जुड़ा हुआ था। मंत्री ने विधानसभा में जानकारी दी कि यह पुल भागलपुर के नौगछिया इलाके के कलबलिया धार कमलाकुंड में निर्माणाधीन है। पुल बन चुका है, पहुंच पथ बन रहा है। एक तरफ संपर्क पथ के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। विधायक ने इस पुल के निर्माण के संबंध में पूछा कि कब तक होगा, तो इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने मंत्री से समय बताने को कहा। मंत्री ने समय तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि जल्द ही पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों को जमीन मालिक से बात करने को कहा गया है। विधायक ने कहा कि जल्दी बनवा दीजिए, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 2500 पब्लिक जब बरसात और बाढ़ की टाइम में आता है तो बड़ी कठिनाई होती है और नाव पलट भी जाती है, दुर्घटनाएं होते हैं। मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ, वह पुल का एकदम अति आवश्यक है, कब तक बनाएंगे ये तो बता दे। माननीय मंत्री जी, गंभीरता विषय को लेकर के बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुल तो बन चुका है, उसमें जो है एक तरफ का अप्रोच नहीं बना है, उसमें निजी जमीन पड़ रहा है और उसको हम लोग सतत लीज पे ले लेंगे। और माननीय सदस्य भी अनुरोध होगा कि वहां पे जो है थोड़ा सा ये कर देंगे तो सतत लीज पे हम लोग ले लेंगे और उसको बना देंगे। वो पूछ रहे हैं कब तक, आप यही पूछ रहे हैं ना, पूछ रहे कब तक। कब तक माननीय, बताइए कब तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंचलाधिकारी को दिया गया है प्रतिवेदन हम लोगों की तरफ से कि जो है वहां का जमीन का सीमांकन कर लिया जाए। सीमांकन हो जाएगा तो हम लोग सतत लीज पे ले लेंगे और उसका पैसा दे देंगे और उसको हम लोग बनवा लेंगे। कहलगांव के विधायक पवन यादव ने विधानसभा में उठाया विक्रमशिला सेतु के ब्रांच रोड के चौड़ीकरण का मामला। मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन। बिहार विधानसभा के प्रश्नकाल में कहलगांव के विधायक पवन यादव ने तारांकित प्रश्न के जरिए विक्रमशिला सेतु के ब्रांच रोड नौगछिया पकड़ा मोड़ से साहू पर्वता तक लगभग 6 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण की मांग की, जिसके जवाब में मंत्री पथ निर्माण विभाग द्वारा संसाधन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर शेष सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण पर विचार करने की बात कही गई। आने वाले दिनों में इस सड़क के छूटे हुए हिस्से का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण होगा। मालूम हो कि नौगछिया महादेवपुर घाट 12 किलोमीटर सड़क के चौड़ीकरण सहित निर्माण का टेंडर 2006 में हुआ था एवं टेंडर के बाद इस सड़क के चौड़ीकरण का काम साहू पर्वता से महादेवपुर घाट तक लगभग 6 किलोमीटर पूरा हो चुका है, जबकि नौगछिया पकड़ा मोड़ से साहू पर्वता तक लगभग 6 किलोमीटर का काम अधूरा है। यह सड़क नौगछिया से भागलपुर गंगा पुल तक पहुंचने में बाईपास का काम करती है। इस सड़क के चौड़ीकरण हो जाने से आगमन में काफी सुविधा होगी। कहलगांव विधायक की तारीफ तो बीहपुर और गोपालपुर विधायक पर साधा निशाना। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के नेता संजीव कुमार उर्फ झाबो ने कहा कि उनके कहने पर विक्रमशिला सेतु के शाखा सड़क के पकड़ा से लेकर खगड़ा तक सड़क 6 किलोमीटर तक चौड़ीकरण का मामला कहलगांव विधायक पवन यादव ने विधानसभा में उठाया है। इसके अलावा उन्होंने पूर्वी केबिन पर बन रहे ओवरब्रिज निर्माण के कार्य को पूरा करने के लिए भी विधायक पवन यादव से मांग किया था। संजीव ने एक तरफ भाजपा विधायक पवन यादव की तारीफ की तो दूसरी तरफ बिहपुर और गोपालपुर के विधायक को लेते हुए जमकर निशाना साधा। संजीव ने कहा कि दोनों विधायक में एक नौटंकीबाज है, दूसरे नाचने गाने वाले। उन्होंने कहा कि गोपालपुर विधायक को धमकी मिलने के बाद से ही बिहपुर विधायक नौगछिया नहीं आ रहे हैं। दोनों विधायक आपस में उलझे रहते हैं, दोनों को विकास से कुछ भी लेना देना नहीं है। संजीव कुमार ने नौगछिया में एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। नारायणपुर, प्रोफेसर का निधन, जताया शोक। नारायणपुर प्रखंड के जेपी कॉलेज नारायणपुर के पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर विनोदानंद झा का 80 वर्षीय उम्र में लंबी बीमारी से मायागंज अस्पताल में निधन हो गया। कॉलेज के प्रधान लिपिक डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में बहुत दिनों तक उन्होंने सेवा दिया है। मंडल भाजपा अध्यक्ष पवन यादव ने बताया कि प्रोफेसर साहब जनसंघकालीन भाजपा के सच्चे सिपाही थे। उनके निधन पर बीपुर विधायक सह सत्तारूढ़ सचेतक इंजीनियर कुमार सैलेन, सावित्री पब्लिक स्कूल के निर्देशक शिक्षाविद राम कुमार साहू, शिक्षक भारतेंदु, इंजीनियर कुमार गौरव, मुखिया प्रतिनिधि पवन कुमार सिंह सहित कई अन्य ने शोक जताया है।
नौगछिया अनुमंडल में 13 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की हुई प्रतिनियुक्ति। राकेश टिकोत के संगठन मजदूर यूनियन द्वारा 30 जून को अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन की पूर्व घोषणा को लेकर नौगछिया के अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर नौगछिया अनुमंडल में कुल 13 जगहों पर दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। नरेश बने अध्यक्ष और मीरा देवी बनी मंत्री। मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड नौगछिया में अध्यक्ष पद पर नरेश सिंह निर्वाचित हुए, वहीं मंत्री पद पर मीरा देवी विजयी हुई। वहीं प्रबंध कार्यकारिणी सदस्य में आधा आनंद, आभा देवी, कैली देवी, प्रेमशिला देवी, भाग्यश्री देवी, अशोक सिंह, राजेश सहनी, रामस्वरूप सिंह, कैलाश सिंह, दामोदर सिंह, चुल्हाय सिंह नव निर्वाचित हुए। सभी लोगों को प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन ने प्रशस्ति पत्र देकर विजयी घोषित किया। नारायणपुर स्वतंत्रता सेनानी के पत्नी का निधन। नारायणपुर प्रखंड के मौजमाबाद स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चक्रवर्ती चौधरी की पत्नी विमला देवी उम्र 28 वर्ष का निधन बुधवार को भागलपुर में इलाज के दौरान हो गया। वे अपने पीछे 4 पुत्र शंकर चौधरी, श्रवण चौधरी, राजेश चौधरी, नीलेश चौधरी को छोड़ गए हैं, जिनमें बड़ा बेटा और छोटा बेटा सैनिक है। सड़क दुर्घटना में 2 घायल। नौगछिया थाना क्षेत्र के NH 31 पर सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए। घायलों में बीरपुर थाना क्षेत्र के गौरीपुर गांव निवासी वरुण सिंह के 18 वर्षीय पुत्र अंकुश कुमार और दिलखुश कुमार हैं। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां उनका इलाज किया गया। नौगछिया सड़क दुर्घटना में 1 घायल। नौगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित भवानीपुर गांव के पास सड़क दुर्घटना में व्यक्ति घायल हो गए। घायल होने में सुनील मंडल के 17 वर्षीय पुत्र कमल कुमार हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार हेतु भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। 7 लोगों के बीच वितरित किया गया ट्राई साइकिल। नौगछिया अनुमंडल कार्यालय परिसर में अनुमंडल पदाधिकारी यतेन कुमार पाल के द्वारा बुधवार को 7 निःशक्त विकलांग लोगों को ट्राई साइकिल वितरण किया गया। ट्राई साइकिल पाने वाले में पिंटू कुमार, गौतम कुमार, अजीत कुमार सिंह, सुलेखा देवी, रेणु कुमारी, रंजीत कुमार मंडल, पिंटू कुमार राम को अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा ट्राई साइकिल वितरित किया गया। उपभोक्ताओं ने डीलर पर अधिक रेट व कम वेट देने का लगाया आरोप, किया कार्रवाई की मांग। बुधवार को बीहपुर जमालपुर पंचायत के वार्ड संख्या 11 और 12 के दर्जनों डीलर मृत्युंजय मिश्रा के खिलाफ अपना हस्ताक्षर युक्त आवेदन प्रभारी MO सजल ब्रदर्स को सौंप कर कार्रवाई की मांग की है, जिसका प्रतिलिपि DM SDO जिला आपूर्ति पदाधिकारी व वीडियो को भी दिया गया है। आवेदन में लाभुक जरीना खातून, सायरा बेगम, जहाना खातून, मुन्नी खातून, तबसुम खातून और नुरैसा खातून व अंजुमन खातून समेत अन्य बताया कि डीलर पर कम वजन और अधिक दाम लेता है। डीलर का कहना है कि 2 यूनिट में 16 किलो ही अनाज देंगे। डीलर को कहने पर जाति सूचक गाली गलौज भी करता है। बाबत पूछे जाने पर MO सजल ब्रदर्स ने बताया कि डीलर के खिलाफ कम वेट और अधिक रेट लेने की शिकायत तालुक में जांच की जाएगी, गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। नवगछिया अग्निपीड़ित को मिला चेक। पिछले दिनों हुए अग्निकांड से पीड़ित नौगछिया के प्रोफेसर कॉलोनी निवासी अरुण कुमार गुप्ता को ब्लॉक नाजिर राजकिशोर कुमार मंडल ने निर्धारित मुआवजे का चेक प्रदान किया है। भाजपा के नगर महामंत्री प्रवेश कुमार यादव और नाजिर नाज राजकिशोर मंडल द्वारा संयुक्त रूप से श्री गुप्ता को चेक प्रदान किया गया। बिहपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री बने गोपाल, अमित बने अध्यक्ष। बीहपुर प्रखंड के बीहपुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री सकोषाध्यक्ष पद पर गोपाल सिंह और अध्यक्ष के पद पर अमित कुमार सुमन उर्फ तप्पू ने जीत हासिल की। प्रखंड निवासी पदाधिकारी सह BDO सतीश कुमार ने बताया कि मंत्री के लिए गोपाल सिंह को 697 मत और भगवान प्रसाद को 532 मत मिले। इस प्रकार गोपाल सिंह 165 वोट से विजयी घोषित किए गए। वहीं अध्यक्ष के लिए अमित कुमार सुमन को 530 और पंकज कुमार सिंह को 521 मत मिले। वहीं अमित कुमार सुमन 9 वोट से विजयी घोषित किए गए। वहीं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में ललिता देवी, अंगूर देवी, वंदना देवी, द्रौपदी देवी, अरुणा देवी, गोपाल सिंह, राजकुमार सिंह, मुन्ना कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, रणवीर कुमार सिंह और बबलू सिंह ने जीत हासिल की। वहीं ट्राइसम भवन में सभी निर्वाचित मंत्री, अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्य को प्रमाण पत्र BDO ने दिया। पत्नी के साथ मारपीट में आरोपित गिरफ्तार। पत्नी के साथ मारपीट करने के मामले में आरोपित मणिकांत दास को खरीक पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं खरीक पुलिस ने जान मारने के प्रयास मामले में
आरोपित बगड़ी के वारंटी पांडव यादव और चौरहर के वारंटी मोहम्मद सद्दाम को खरीक पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। जान मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए नौगछिया थाना पहुंचे लोग दिया आवेदन। होमगार्ड में चयनित जवान विकास कुमार के साथ उसके घर पर पहुंचकर गांव के कई लोगों द्वारा जान मारने की धमकी देने अन्यथा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। विकास कुमार ने कहा कि गांव के ही 6 से अधिक लोग ने शराब के नशे में उनके घर पर पहुंचकर जान मारने की धमकी दी अन्यथा घर छोड़कर भाग जाने की धमकी दी। देर रात विकास कुमार के साथ अन्य लोगों ने थाना पहुंचकर लिखित आवेदन दिया है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है।